Top of track. Flight Delta Suji at my sister Lee in here. Please tell me how can I help you? Blue light on. Okay, blue light is turn on. Yellow light on. Okay, yellow light is turn on. Pink light on. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DIY टेक्नोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो AI थिंकर VC02 मॉड्यूल पर है। फ्रेंड्स, VC02 मॉड्यूल AI थिंकर के द्वारा बनाया गया है। यह एक ऑफलाइन वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल है, यानी कि फ्रेंड्स इसके लिए ना तो इंटरनेट की आवश्यकता है ना किसी प्रकार के वाईफाई की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आती है वहाँ के लिए मॉड्यूल परफेक्ट है। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल के साथ एक माइक और एक स्पीकर आता है जो आसानी पूर्वक बोर्ड पर लगे डेडिकेटेड स्लॉट से कनेक्ट हो जाता है। इसके लिए आपको कोई सोल्डरिंग की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, यह किट फैक्ट्री फर्मवेयर के साथ आता है, परंतु आप अपने हिसाब से इसके फर्मवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें 150 से तक वॉइस कमांड को हम स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, VC02 किट में CS340 IC लगा हुआ है, जो कि USB2 सीरियल कन्वर्टर है, जिसके द्वारा VC02 को कंप्यूटर से आसानी पूर्वक कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर में CS340C का ड्राइवर इंस्टॉल होना जरूरी है। फ्रेंड्स, इसमें लिमिटेड GPIO पिंस दिया हुआ है, तो यदि आपको ज़्यादा GPIO पिंस की आवश्यकता है, आप एक्सटर्नल माइक्रो कंट्रोलर जैसे आर्डिनो यूनो, आर्डिनो नैनो, ESP32 या ESP8266 को कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, इस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे डिटेल में। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर। फ्रेंड, VC02 की वेबसाइट है, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसकी वेबसाइट है wise.ai-thinker.com, को हम ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट का जो होम पेज है बाय डिफॉल्ट इंग्लिश चाइनीज में है, तो आप ये गूगल ट्रांसलेटर से इसको ट्रांसलेट मत कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर, राइट साइड कॉर्नर में इंग्लिश दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे पेज ये इंग्लिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम पहले यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे इसकी वेबसाइट पे, तो रजिस्टर फ्री पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आया है, इसमें अपना निक नेम, ईमेल आईडी, कंपनी नेम, कंपनी वेबसाइट एंटर करेंगे और सेंड वेरिफिकेशन कोड करेंगे, तो ईमेल पे एक कोड जाएगा जिसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने पहले से अकाउंट क्रिएट करके रखा है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लॉगिन कर चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा ये URID DIY टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, हम आ जाते हैं ये क्रिएट प्रोडक्ट पे, यहाँ अपना प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि लैंप्स है, स्विच है, सॉकेट है, लार्ज अप्लाइंसेस, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट और ये अदर। तो फ्रेंड्स, हम एक ये डेमो प्रोजेक्ट है, तो हम इसको लैंप पे बना रहे हैं। इसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं लैंप में भी RGB है, RGB कॉबलाइट है, कॉबलाइट है, तो इसमें भी अलग अलग वेरियंट हैं सब। तो हम सीलिंग लैंप का यूज़ करेंगे, क्योंकि सीलिंग लैंप में हम रिले का यूज़ करके लैंप LED बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसलिए हम सीलिंग लैंप का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है मॉड्यूल का। तो जो हमारा मॉड्यूल है वो ऑफलाइन वाला मॉड्यूल है। यहाँ तीन आपको ऑप्शन मिलते हैं, ऑफलाइन प्लस वाईफाई ऑनलाइन, तो हम ये ऑफलाइन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये हमें मॉड्यूल सेलेक्ट करने के लिए आ जाए VC01 VC02। तो फ्रेंड, जो हमारा मॉड्यूल है वो VC02 है, इसके यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं क्लिक करके। तो हम यहाँ VC02 को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ फिलअप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का हम नाम यहाँ दे देते हैं। उसके बाद फ्रेंड, नीचे में लैंग्वेज है, पहले हम नाम दे देते हैं। हमने ये नाम डिम लाइट्स दे दिया है, क्योंकि हम यहाँ तीन LED बल्ब और एक सॉकेट के लिए इसको बना रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड, हम यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मॉड्यूल है वो दो लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, चाइनीज या तो इंग्लिश, तो यहाँ से हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव। इसके बाद हम फ्रेंड देख सकते हैं ये वॉइस SDK में आ चुके हैं। हम यहाँ पे फ्रेंड एंड सिग्नल प्रोसेसिंग है, तो हम इस पोर्शन को जैसा है वैसे रहने देते हैं, इसमें कोई हम चेंजेस नहीं करेंगे। हम पिन कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे मॉड्यूल पे जितने भी पिन हैं, 10 टोटल पिन हैं, उन सभी के बारे में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो VC02 मॉड्यूल है, इसमें लिमिटेड GPIO पिन है। अगर हमें और भी रिले को जोड़ना है इस मॉड्यूल से, तो हम एक्सटर्नल माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पिन का जो सिलेक्शन करेंगे वो UART1TX और UART1RX रिसीवर और ट्रांसमीटर का यूज़ करेंगे, बॉडरेट 96, यहाँ अपना बॉडरेट सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम इसको Arduino या ESP32 या ESP266 से कनेक्ट करके अपने GPIO पिन की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल हम केवल यहाँ GPIO पिन को यूज़ करते हैं,
एज ए आउटपुट के रूप में। हमने यहाँ जीपीयू और बीजू को लिया वीवन, ये पैरामीटर डिफॉल्ट इज लो, ये बाय डिफॉल्ट ये सारी पिन लो रहेंगी, देख सकते हैं ये सारी हमारी जीपीयू पिन है जो कि बाय डिफॉल्ट लो लेवल पे है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं आप वेकअप वर्ड कस्टमाइजेशन है, तो यहाँ पे हम अपना वेकअप वर्ड देंगे मॉड्यूल के लिए, जैसे कि हम गूगल एलेक्सा के लिए देते हैं, गूगल के लिए ऑक्टो गूगल, एलेक्सा के लिए एलेक्सा, तो वैसे ही हम VC02 मॉड्यूल को वेकअप करने के लिए इनको हम वेकअप वर्ड देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कुछ रूल्स है वेकअप वर्ड्स के, जैसे कि ओनली सपोर्ट चाइनीज 326 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर्स इज द बेस्ट, मतलब ये केवल चाइनीज नाम को ही सपोर्ट करता है, आपको इंग्लिश या कोई और नाम देंगे तो ये सपोर्ट नहीं करे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बाई डिफॉल्ट वेकअप वर्ड में हेलो शॉमी, तो हम यहाँ पे अपना एक चाइनीज नाम दे देते हैं जैसे कि सूजी। आप यहाँ कई वेकअप वर्ड दे सकते हैं, देखिए यहाँ कई वेकअप वर्ड दे सकते हैं, टोटल यहाँ पे 9 वेकअप वर्ड आप दे सकते हैं। तो हम है सूजी हेलो ली एक और नाम दे देते हैं, हम आईली हेली और कर देते हैं हे सूजी। तो फ्रेंड जो ये नाम होना चाहिए वो चाइनीज करेक्टर होना चाहिए, तो हमने ये वेकअप वर्ड कस्टमाइज कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं वेकअप सेंसिटिविटी में, फ्रेंड हम इसको हाई कर देंगे, ये रिप्लाई फॉर वेकअप, जब हमारा मॉड्यूल वेकअप हो जाएगा तो हमें रिप्लाई करेगा आई एम योर प्लीज गो अहेड व्हाट कैन आई डू। तो ये फ्रेंड ये तीनों में से किसी एक वेकअप वर्ड को इनिशिएट करेगा पहली बार एक बार में, ये रैंडम चेंज करता रहेगा। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से भी यहाँ बढ़ा सकते हैं, 5 कर सकते हैं, देख सकते हैं 2 और बढ़ गया तो हम 2 और बढ़ा देते हैं इसमें। तो फ्रेंड इसमें एक और एक्स्ट्रा प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू एक ऐड कर दिया है, इसमें टोटल 5 वेकअप रिप्लाई वेकअप कमांड दे सकते हैं, ये लास्ट वाला हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कस्टमाइज ऑफलाइन कमांड वर्ड्स एंड रिस्पांस वर्ड। तो फ्रेंड इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम यहाँ 3 इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए और एक सॉकेट के लिए ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बाई डिफॉल्ट इन्होंने दे के रखा है टर्न ऑन प्लीज लाइट ऑफ द लैंप्स, ये बीच में एक ऑफ एन दे के रखा है इन लोगों ने सेपरेट करने के लिए। तो ये अलग अलग हमारा ये कमांड वर्ड है, एक ये कमांड वर्ड अलग है, उसके बाद दूसरा कमांड वर्ड प्लीज लाइट अप, इसके बाद ये तीसरा कमांड है लाइट अप, चौथा है टर्न ऑन। फ्रेंड ऐसे हम कई कमांड को यहाँ दे सकते हैं, और यहाँ पर रिप्लाई वर्ड है कि जब हम कमांड देंगे तो मॉड्यूल की तरफ से रिप्लाई वर्ड ये स्पीच किया जाएगा, तो हम इसको मॉडिफाइड कर देते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि हम बताया आपको पहले कि हमने 3 LED बल्ब, एक पिंक येलो और ब्लू और एक सॉकेट के लिए है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ बिहेवियर कमांड वर्ड और रिप्लाई वर्ड को एंटर कर देते हैं। फ्रेंड एक चीज़ का ध्यान देंगे, यहाँ स्पेस नहीं देना है, स्पेस देंगे तो ये अलाउ नहीं करेगा। साथ ही साथ फ्रेंड यहाँ पे मिनिमम 2 से लेकर 15 तक का करेक्टर होना चाहिए, अब देखिए 15 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एरर आ गया, लेंथ नीड टू बी बिटवीन 2 to 15 करेक्टर, तो हम यहाँ 2 से 15 करेक्टर के बीच में रखेंगे। हमने पिंक लाइट ऑन बिहेवियर में दे दिया, पिंक लाइट के लिए हम यहाँ कमांड यूज कर लेते हैं पिंक लाइट ऑन हाइफन टर्न ऑन पिंक लाइट ऑन पिंक लाइट, ये हमने 3 कमांड दे दिए पिंक लाइट ऑन टर्न ऑन पिंक लाइट ऑन पिंक लाइट। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हम रिप्लाई वर्ड दे देते हैं ओके पिंक लाइट ऑन। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम बाकी जो LED है सॉकेट के लिए बिहेवियर कमांड वर्ड और रिप्लाई वर्ड इनपुट कर देते हैं। फ्रेंड आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ये बिहेवियर और कमांड वर्ड और रिप्लाई वर्ड को चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसमें स्मॉल और कैप्टन का कोई समस्या नहीं है, आप स्मॉल में या कैप्टन में कैसे भी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने ये चारों डिवाइसेस का ऑन बिहेवियर वर्ड कमांड अभी रिप्लाई वर्ड दे देते हैं।
फ्रेंड ये ऑन कमांड हो गया, अभी हम सबके लिए ऑफ कमांड दे देते हैं। आप देख सकते हैं अगर बिहेवियर सेम सेम रहेगा तो एरर मैसेज आपको आ जाएगा, इसको ऑफ कर देते हैं। हमने यहाँ ऑन को ऑफ कर दिया। फ्रेंड देख सकते हैं हमने चारों डिवाइसेस का ऑन और ऑफ कमांड दे दिया है। फ्रेंड्स हम एक और कमांड दे देते हैं, ऑल लाइट्स ऑन और ऑल लाइट्स ऑफ का, ऑल लाइट्स ऑन। ऑल लाइट्स ऑफ। ऑल लाइट्स ऑन। Turn on all lights. On all lights. All lights on. तो फ्रेंड आपको कमांड दे देते हैं। फ्रेंड हमने चारों डिवाइसेस के लिए कर दिया, जो एक्स्ट्रा हमने कमांड दे दिया है सभी लाइट्स को एक साथ ऑन करने के लिए और सभी लाइट्स को एक साथ ऑफ करने के लिए। ऑल लाइट्स ऑन, ऑल लाइट्स ऑफ। ओके, ऑल लाइट्स ऑन, ऑल लाइट्स ऑफ। तो फ्रेंड ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब इसमें आ जाते हैं कंट्रोल डिटेल्स में। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा ये वेकअप कमांड भी है यहाँ पे। उसके बाद हमने अपने जो चारों डिवाइसेस के लिए बिहेवियर और कमांड वर्ड दिए थे वो सभी यहाँ पे आ गए हैं। तो फ्रेंड इसमें हम इनको कंट्रोल ऐड करेंगे कि हम जो कमांड बोलेंगे उस कमांड से मॉड्यूल हमें क्या आउटपुट देगा। तो हमारा जो वेकअप कमांड है उसमें हम कुछ भी इंटर नहीं करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई LED या RGB LED लगा के उसका कंट्रोल दे सकते हैं, पर यहाँ भी हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। पिंक लाइट पे हम आते हैं, ऐड कंट्रोल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल टाइप पे आप क्लिक करेंगे हमारे सभी GPIO पिन आ जाएंगी। हम अपने पहले GPIO 0 को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्शन में सेटिंग और पास दो ऑप्शन है, हम सेटिंग पे आते हैं। यहाँ पैरामीटर में लो लेवल ट्रिगर, हाई लेवल ट्रिगर। तो फ्रेंड हाई लेवल ट्रिगर में जो पिन होगी वो हाई होगी और लो लेवल ट्रिगर में पिन होगी लो होगी। अभी हम यहाँ ऑन का कमांड है तो पिन को हाई करेंगे और जब हम ऑफ का कमांड देंगे तो पिन को लो करेंगे, तो वहाँ लो लेवल ट्रिगर करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सेटिंग के नीचे पल्स था, तो यहाँ पल्स में आप पीरियड और टाइम से, ये फ्रेंड ये PWM सिग्नल्स के लिए है। अगर कोई हम सर्वो मोटर यूज़ कर रहे हैं या कोई RGB LED यूज़ कर रहे हैं जिसमें पल्स किया सकता है तो हम एक्शन में पल्स को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम आ जाते हैं सेटिंग में और यहाँ से हाई लेवल ट्रिगर। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसके नीचे एक और ऐड कंट्रोल आ गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेम कमांड से और भी हमें GPIO पिन को हाई या लो करना है तो यहाँ ऐड कंट्रोल पे क्लिक करके आप उनको ट्रिगर करा सकते हैं। तो फिलहाल हम इस कमांड पे एक ही पिन को हाई लेवल पे रहने देते हैं। हम ऑल लाइट्स में ये सभी सेटिंग करके एक साथ में येलो के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। GPIO B1 को सेटिंग हाई लेवल, उसके बाद ब्लू लाइट GPIO 2 सेटिंग हाई लेवल, सॉकेट के लिए GPIO B3 सेटिंग हाई लेवल। तो फ्रेंड ये चारों डिवाइसेस को हमने हाई लेवल कर लिया है और इनके हमने कौन कौन सा GPIO पिन यूज़ किया वो भी सेलेक्ट कर लिया है। अब इन सभी GPIO को हम लो करेंगे। पिंक लाइट के लिए GPIO B0 को लो लेवल, अभी से आप इस कमांड से ऑफ हो जाएगा, हमारी पिन लो हो जाएगी। सेटिंग लो लेवल,
फ्रेंड हमने चार डिवाइसेस के लिए लूजर सेट कर लिया। अभी हम ऑल लाइट्स ऑन के लिए सभी पिन को हाई करेंगे एक साथ में। तो ये B0 सेटिंग हाई लेवल, फिर इसी में हम ऐड कमांड करते जाएंगे हाई लेवल। हम यहाँ तीनों लाइट्स को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे उनके जीपीओ पिन को। वैसे फ्रेंड ऑफ के लिए लो लेवल, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक ही कमांड पे ये तीनों जो जीपीओ पिन है वो एक साथ हाई होंगी और एक ही कमांड पे ये तीनों जीपीओ पिन लो होंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंट्रोल लेवल सेट हो चुका है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। आज देखिए आप लिखा हुआ है ऑटोमेटिक स्विच कमांड। तो फ्रेंड इसको अगर आप अपना कमांड नहीं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाद में हम अपने कमांड देके अपना कमांड हम स्टोर कर लें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टडी कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे में सेंसिटिविटी पैरामीटर इसको हाई कर लेते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं रिकवर फ्री कमांड वर्ड्स अप टू 10 वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें 10 वर्ड को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं टर्न ऑन पिंक लाइट, टर्न ऑन येलो लाइट, टर्न ऑन ब्लू लाइट, सॉकेट ऑन, टर्न ऑन सॉकेट, उसके बाद टर्न ऑफ पिंक लाइट। इसको हम पिंक लाइट ऑन सेलेक्ट कर लेते हैं, येलो लाइट ऑन, ब्लू लाइट ऑन, सॉकेट ऑन। इसके बाद पिंक लाइट ऑफ, येलो लाइट ऑफ, ब्लू लाइट ऑफ, सॉकेट ऑफ, ऑल लाइट्स ऑन, ऑल लाइट्स ऑफ। ये फ्रेंड्स एक हमारा ये कमांड गलत हुआ, देख सकते हैं ऑल लाइट्स ऑफ टर्न, उसमें हमने हाइफन यूज नहीं किया है। इसको हम चेंज कर लेते हैं ऑल लाइट्स ऑन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गलती हुई है। हो सकते हैं सही हो गया भाई, ऑल लाइट्स ऑन, ऑल लाइट्स ऑफ। ये हमारे 10 कमांड सेलेक्ट हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ गया। तो इन्हीं 10 कमांड का हम यूज़ करेंगे। उस पर आगे बढ़ते हैं स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन में। आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे स्पीकर्स हैं, तो हमने चूज किया है कीओ गर्ल को। इसके बाद यहाँ पे वैल्यूम है, स्पीड ऑफ स्पीच है और ब्राइटनेस है। तो वैल्यूम हम अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो स्पीड है स्पीच की उसको भी यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ब्राइटनेस जो बोर्ड पे LEDs लगी है उनकी ब्राइटनेस के लिए, तो हम यहाँ कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वैसे ही वैसे रहने देंगे। अदर कॉन्फ़िगरेशन में फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं बूट ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे नॉट बूट ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया गया है बाय डिफॉल्ट। तो हम हैज़ बूट ब्रॉडकास्ट सेलेक्ट करेंगे। हम बता दें फ्रेंड ये क्या है कि जब हमारा मॉड्यूल ऑन होगा या हम उसको रिसेट करेंगे तो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा। उस मैसेज को हम यहाँ टाइप कर देते हैं। माई सेल्फ टू भी हमने दो नाम लिया था। हमने बूट ब्रॉडकास्ट में ये मैसेज टाइप कर दिया, नमस्कार माई सेल्फ सूजी एंड माई सिस्टर लेजियर, क्योंकि हमने दो नाम लिया है इसलिए दोनों बहनों का हमने नाम यहाँ दे दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए टाइम आउट, अगर हमारा मॉड्यूल को हम कोई वर्ड कोई कमांड नहीं दे रहे हैं 10 सेकंड तक, अगले 10 सेकंड तक, तो वो क्यूट हो जाएगा और क्यूट होगा तो रिप्लाई क्यूट देगा, प्लीज कॉल मी इफ नेसेसरी। फ्रेंड्स ये टाइम आउट जो टाइमिंग है आप उसको चेंज कर सकते हैं, 5 से लेकर 60 सेकंड के बीच में हम 10 सेकंड ही रहने देते हैं। फ्रेंड्स हम ये रिप्लाई क्यूट को भी चेंज कर सकते हैं, तो हम ये जो पहला है उसको वैसे रहने देते हैं। हम जितने भी यहाँ पे क्यूट कमांड डालेंगे वो उसमें से रैंडम किसी एक को स्पीच करेगा, जैसे कि हम यहाँ डाल देते हैं अपना एक कमांड। Wake me up if needed. फ्रेंड हमने एक अपना कमांड डाल दिया, क्यूट रिप्लाई कमांड, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, वेक मी अप इफ नीडेड। इसके बाद फ्रेंड ये क्यूट कमांड है, जैसे कि हमें मॉड्यूल को क्यूट करना है तो इसे यहाँ पे मॉड्यूल देकर क्यूट, तो हम क्यूट बोलेंगे तो मॉड्यूल ऑटोमेटिक क्यूट हो जाएगा यानी स्लीप मोड में चला जाएगा। तो आप यहाँ भी क्यूट कमांड को मॉडिफाई कर सकते हैं और रिप्लाई क्यूट कमांड भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम देते हैं यहाँ पे जी बाय बाय ली, बाय बाय, हमने यहाँ दो क्यूट कमांड दे दिया, तो हम और बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये रिप्लाई क्यूट कमांड है, जैसे हम सूजी बाय बोलेंगे तो मॉड्यूल की तरफ से हमें स्पीच प्लीज कॉल मी इफ नेसेसरी, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम पहला से रहने दूसरा चेंज कर देते हैं, कॉल मी इफ नेसेसरी,
तो फ्रेंड ये हम दो क्विट कमांड रिप्लाई कमांड रहने देते हैं, एक को हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड हम ये मेक न्यू वर्जन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपना वर्जन का डिस्क्रिप्शन दे देंगे, हम लिख देते हैं V1.0, ये हमारा वर्जन हो गया ये, क्योंकि हमारा पहला ये फर्मवेयर है। अब यहाँ ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा एक दूसरा पेज ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं वॉइस एसडीके का वर्जन नंबर, वर्जन डिस्क्रिप्शन, ये हमने जो वर्जन दिया था, क्रिएशन टाइम और एसडीके स्टेटस। तो फ्रेंड अभी यहाँ ऑपरेशन में आप देख सकते हैं एडिट का है, बिल्ड एसडीके डिलीट का है। अभी इसको कोई चेंजेस करना तो यहाँ एडिट कर सकते हैं, हमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है, तो हम ऑपरेशन में ये बिल्ड एसडीके पे क्लिक करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा, ये रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। अभी वो फ्रेंड ये एसडीके को बनने में 10 से 30 मिनट का टाइम लगेगा, तो हम वेट करते हैं। फ्रेंड्स अभी हमारे जो टाइम पीरियड दिया था 30 मिनट का वो पूरा हो चुका है। आप देखते हैं हमारे एसडीके बन के रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आते हैं लिस्ट प्रोडक्ट पे, देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अपना था डेमो लाइट्स। तो ये ऑपरेशन पे हम क्लिक करते हैं, व्यू डिटेल्स पे आ जाते हैं वॉइस एसडीके पे। तो अभी फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा ये फर्मवेयर बन के रेडी है, जिसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। कई बार नेट की कनेक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ये डाउनलोड, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये कई बार आपको इनसिक्योर डाउनलोड ब्लॉक्ड आएगा, आप इसको कीप कीजिएगा, ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभी डाउनलोड हो रहा है फर्मवेयर, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। हम इसका फर्मवेयर अपलोड करने का टूल डाउनलोड कर लेते हैं, जिसकी वेबसाइट है, जिसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें नीचे फ्रेंड आ जाते हैं, आपको मिलेगा बर्निंग टूल पे, ये यूआईडी बर्निंग टूल, इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ बर्निंग टूल आपको डाउनलोड होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा बर्निंग टूल डाउनलोड होना चालू हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हमने ये बर्निंग टूल पहले से डाउनलोड करके रखा है, इसलिए हम इसको पॉज कर देते हैं, ये हमारा फर्मवेयर डाउनलोड हो जाने देते हैं। फ्रेंड्स हमारा ये फर्मवेयर भी डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं आउटपुट, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमारा फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है आउटपुट फोल्डर में। यहाँ फ्रेंड्स ये जो रिलीज अपडेट एडमिन, ये हमारा फर्मवेयर है जिसको हम अपलोड करेंगे। साथ ही फ्रेंड जो हमारा टूल था उसका भी जो फाइल था जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एप्लीकेशन .exe फाइल है, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमारा बोर्ड इस पर कनेक्टेड नहीं है, ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है, उसका बोर्ड का नंबर दिखा रहा है। अपने मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, देख सकते हैं ये पोर्ट लिंक वहाँ से कनेक्ट हो चुका है हमारा मॉड्यूल। हम यहाँ फर्मवेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस बटन पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे आउटपुट वन, ये रिलीज अपडेट डॉट बिन ओपन, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये स्टार्ट नहीं हुआ जब तक हम मॉड्यूल पे लगे रिसेट बटन को प्रेस करेंगे। अभी हम प्रेस करते हैं रिसेट बटन को, देखिए अभी हमारा अपलोड चालू हो गया, ये पोर्ट नंबर 8 पे हमारा अपलोडिंग चालू हो गई है। तो फिर तब तक वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो फ्रेंड ये अपलोड हो गया सक्सेसफुली, अभी एक बार रिसेट करते हैं अपने मॉड्यूल को। अब हम चलते हैं देखते हैं इसका फाइनल आउटपुट। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारा ये 4 रिले का एक बोर्ड है, जिसका वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये इसको हमने कैसे बनाया है। फ्रेंड इस 4 रिले मॉड्यूल का जो पावर सप्लाई है इसके अंदर ही हमने लगाया है 5 वोल्ट के, जो डायरेक्ट वो इसी सप्लाई से वो ऑपरेट होता है। हम केवल मॉड्यूल से ये ग्राउंड की सप्लाई देंगे, बिना ग्राउंड की सप्लाई के ये हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा रिले मॉड्यूल से। और फ्रेंड ये हमने ये 4 वायर लिया हुआ है, जो कि ब्लू पिंक और येलो और सॉकेट के लिए है, आप देख सकते हैं। ये GPIO B0 B1 B2 और B3 का हमने कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इसका डेमो, रिसेट करते हैं हम बोर्ड को। ब्लू लाइट ऑन, येलो लाइट ऑन, पिंक लाइट ऑन, ओके पिंक लाइट इज टर्न ऑफ, सॉकेट ऑन, ऑल लाइट्स ऑफ, सॉकेट ऑन, ऑल लाइट्स ऑन। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा डेमो। तो फ्रेंड्स ये आज का प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ फ्रेंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो करें, वहाँ पे हम आपको हमारे सभी कोड और सॉकेट सेट डायग्राम आपको मिल जाएंगे।
इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।